Hello students, I am Uzma teacher from Paras English School. Today I am going to teach you subject Hindi Surbhi. Start karte children, aaj se yahan par se page number 44 hai, bandar aur chand. Kya hai bandar aur chand? Ek tha bandar, wo bada hi chanchal tha. एक था बंदर वो बड़ा ही चंचल था. एक रात उसने चांद देखा. वो शाने माँ के पास आया. उसने माँ से चांद की मांग की. उसने माँ से काय की मांग की? चांद की मांगी. एक था बंदर वो ही बड़ा चंचल था. एक रात उसने चांद देखा. वो शाने माँ के पास आया. उसने माँ से चांद की मांग की. माँ ने आंगन में रंग भरी बाल्टी रखी. बाल्टी में चांद की छाया दिखने लगी. बंदर ने हंसकर चांद पकड़ने के लिए बाल्टी में हाथ डाला. चांद हाथ में नहीं आया. चांद कहीं गायब हो गया. मगर बंदर बाल्टी के अंदर गिर गया. क्या हुआ? बंदर बाल्टी के अंदर गिर गया. बंदर का हर एक अंग रंग गया. अंत में सब उसे चिढ़ाने लगे. रंगा बंदर. उसने कान पकड़कर सबसे माफी मांगी. बोला, अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा. सब संग मिलजुल कर रहूंगा. अंत में शरारत छोड़ दी. क्या हुआ? उसने कान पकड़कर सबसे माफी मांगी. बोला, अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा. सब संग मिलजुल कर खेलूंगा. अंत में शरारत छोड़ दी. शिक्षण उपदेश में है कहानी के माध्यम से अनुसार अनुसर्गिक तथा स्वर्ग युक्त शब्दों का उच्चारण का अभ्यास कराना, उनमें अंत समझाना है, विद्यार्थियों के पठन गति को बढ़ाना है. यानी समझाना है बच्चों को भी कि अपनी शरारत छोड़ो. क्या समझाना है बच्चों? तुम अपनी चिल्ड्रन अपनी शरारत छोड़ो. चित्रों के नाम लिख लिए. तो ये दिया है बंदर, तो बंदर ऊपर चंद्र की मात्रा है, बंदर. ये क्या है? चांद. क्या है? चांद. ये प्रांत. और ये बांसुरी. सही शब्द राइट का निशान लगाइए. तो यहाँ क्या आएगा? आंगन. क्या आएगा? आंगन पे. यहाँ पर क्या पे लगाया है? सही वर्ड कौन सा है? हंसना. और ये है प्रांत. कौन सा सही वर्ड है? प्रांत. फिर दिया है तीसरे नंबर में पूरे वाक्य के उत्तर लिख. पूरे वाक्य उत्तर. बंदर कैसा था? बड़ा ही चंचल था. बंदर माँ से क्या मांगने लगा? तो चांद की मांग की थी. बंदर कहाँ गिर गया था? तो रंग भरी बाल्टी में गिर गया था. सुंदर अक्षरों में लिखी. तो देखो, इसको सुंदर अक्षरों से क्या करना है? घोटना है. फिर लिखो चंद्र की मात्रा. फिर ये माँ. फिर ये है शा. इस तरह से आ ख मा श श रू की मात्रा. नुर्प नुपुर नुप त्रोण मुर्ग. नुप त्रोण मुर्ग. क्रूपक क्रूशक. क्रूशक है वुशुप वृक्ष. क्रूशक वुशुप वृक्ष. फिर है ये देखो ऋतुओं के नाम दिए. काय के नाम है? काय के नाम दिए? ऋतुओं के नाम. काय के? ऋतु के. सर्दी की ऋतु. गर्मी की ऋतु.
वर्षा की ऋतु, सर्दी की ऋतु में ठंड पड़ती है, वर्षा की ऋतु में सर्दी की ऋतु में ठंड पड़ती है, गर्मी में गर्मी लगती है, वर्षा की ऋतु में बारिश आती है। ऊंचे स्वर में पढ़िए तो वृक्ष, खुद फ्रुत, ग्रह मृग अमृत, तृण मातृ कृपालु, नुपुर कृपा आकृति। वृक्ष घुट पृथ घृ मुर्ग अमृत, तृण मातृ कृपालु, नुपुर कृपा आकृति। इसमें दिया है कृषक कामरूप। कृषक कामरूप तो एक था कृषक, वह खाली समय में मृदंग बजाता था, यानी ढोलक बजाता था। एक बार मृदंग की आवाज सुनकर वन में मृग आ गया, यानी कौन आ गया, वो हिरन। कृषक ने मृग को अपने घर में रख लिया, उसने अपने घर में। कृषक ने वशुप के एक साथी मिल गया, दोनों नरम नरम तृण खाते और वृक्ष के नीचे सो जाते। वो लोग क्या करते थे, नरम नरम वृक्ष खा के झाड़ के नीचे सो जाते थे। एक बार वर्षा की ऋतु में मृग तृण चरता चरता दूर निकल गया। नृप ने राजगृह की खिड़की से मृग को देखा। एक बार वसंत ऋतु में मृग तृण चरता चरता दूर निकल गया। नृप ने राजगुरु की खिड़की में से मृग को देखा। उसने क्या करा, राजगुरु की खिड़की में से उसको देखा। तो फिर लिखा है उसने अपने सिपाहियों को मृग पकड़ने के लिए, राजा ने अपने सिपाहियों को बोला इस मृग को पकड़ के लाओ। सिपाही ने कृपाल लेकर मृग को पकड़ने दौड़े, उसने सिपाहियों को लेके पकड़ने दौड़े। एक ऋषि वहां से गुजर रहा था, एक ऋषि पंडित जिनको बोलते हैं वो गुजर रहे थे। ऋषि ने बड़े कृपालु थे, दयालु थे, कृपालु थे। वो नृप से बोले, नृप हृदय में दया रखो, तुम्हारे दिल में दया का भाव रखो, मृग पर कृपा करो, उसके ऊपर कृपा करो, इसे मत मारो, यानी इसे तीर मत मार के पकड़ो। नृप ने मृग को छोड़ दिया, उसने राजा ने छोड़ दिया उसको। उसने ऋषि से क्षमा मांगी, उसने ऋषि से क्या बोला, मुझे क्षमा करो ऋषि। मृग कृपाल कृषक मृग कृषक के गृह लौट आया, वो अपने घर पर क्या हुआ, लौट आया। अभ्यास क्रम में दिया है चित्रों के नाम लिखिए। मुर्दल यानी तबला, मृग नुप्र यानी राजा, कृपाण यानी किसको बोलते हैं तलवार को, मृग यानी किसको बोलेंगे, मृग सिंह को, ओ हिरन को, और कृषक खेडूत को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, खेडूत को। सही वर्ण में रू की मात्रा लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। कृपा ग्रह कृषक तृण, कृपा ग्रह कृषक तृण। चित्रों के एक एक नाम लिखिए। पेड़ वृक्ष बेल वृषभ। वाक्य पूरे कीजिए। कृषक मृद कृषक यानी किसको बोलते, खेडूत मृद बजा, खेडूत क्या जाता था, तबला बजाता था। मुर्ग यानी हिरन, और वृषभ नरम नरम तृण खाते थे। कौन खाते थे, हिरन, और उसके खेडूत क्या कहते, नरम नरम वृक्ष खाते थे। मृग तृण चरता चरता दूर निकल गया। कौन निकल गया, वो जो हिरन थी वो चलते चलते कहाँ निकल गई, दूर निकल गई। दो जुड़े व्यंजन, देखो व्यंजन जोड़ना है तो क्या दिया है, क्षत्रिय, क्या दिया है, क्षत्रिय। त्रिशूल त्रिशूल, ज्ञानी ज्ञानी, श्रीमक श्रीमक। ऊंचे स्वर में पढ़िए तो क्षमा कक्षा रक्षा अक्सर, समा कक्षा रक्षा अक्सर। त्र से पत्र पत्र, मित्र मित्र, शत्र शत्र, छात्र छात्र, यज्ञ यज्ञ, ज्ञान ज्ञान,
ज्ञान आज्ञा 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 विज्ञान 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 श्रम 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 श्रवण 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 आश्रम आश्रम आसमन श्रीमान 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 दद तो कद्दू तड़ तो चिट्ठी गुब्बारा ऊंचे स्वर में पढ़िए तो गदा मक्का कुत्ता खट्टा पत्ता दिया है गदा मक्का कुत्ता खट्टा पक्का। एक बार वापस से पढ़ेंगे क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी श्रमिक फिर दिया है समा कक्षा रक्षा और अक्सर फिर दिया है त्रा में पत्र मित्र क्षत्र और छात्र यज्ञ ज्ञान आज्ञा विज्ञान श्रम श्रवण आश्रम श्रीमान कद्दू चिट्ठी गुब्बारा फिर गदा मक्का कुत्ता खट्टा पत्ता। फिर यहाँ पर दिया है चिल्ड्रन इस तरह से देखो यहाँ पर दिया है प्याला क्या दिया है देखो मक मा प्लस ख तो मक हो गया तो मक की फिर मच्छर दिया है तो मच्छर फिर यहाँ दिया है दूध तो घी दूध लिखा है यहाँ पर प्याला प्याला गच्छा चाबी का गच्छा होता है ना फिर एक ग्वाला क्या है ग्वाला फिर ऊंचे स्वर में पढ़िए तो पत्थर विद्या तख्ता तख्ता सब्जी सब्जी प्राप्त क्या है प्राप्त पत्थर विद्या तख्ता सब्जी प्राप्त क्या बोला है लिखिए तो अब लिखना है यज्ञ क्या लिखना है यज्ञ फिर दिया है पत्र क्या दिया है पत्र कक्षा क्या दिया है कक्षा फिर दिया है आश्रम क्या दिया है आश्रम ये क्या है यज्ञ पत्र कक्षा आश्रम फिर दिया है पढ़िए और समझिए क्या दिया है पढ़िए और समझिए कहना लेकर आया मक्का कहना लेकर आया मक्का छीला तो निकला वह कच्चा उसे छीला तो कैसा निकला कच्चा निकला अब क्या खाऊं कहकर कहना अब क्या खाऊं कहकर कहना बड़ी जोर से चिल्लाया वो क्या चिल्लाया बड़ी जोर से चिल्लाया कि अब मैं क्या खाऊं ये तो निकला है कच्चा कहना लेकर आया मक्का छीला तो वो निकला कच्चा अब क्या खाऊं कहकर कहना बड़ी जोर डब्बू और चुन्नी अब किसका पढ़ेंगे डब्बू और चुन्नी एक नन्ना कुत्ता था उसका नाम डब्बू था नन्हे कुत्ते का नाम क्या था देखो डब्बू था उसके पड़ोस में चुन्नी बिल्ली रहती थी एक दिन चुन्नी डब्बू के लड्डू चुरा कर ले गई उसने क्या करी डब्बू कुत्ते के है ना लड्डू कौन चुरा के ले गया बिल्ली ले गई डब्बू ने उसे झड़पने की सोची तो चुन्नी की गलती थी चुन्नी यानी बिल्ली की क्या थी गलती थी चुन्नी ने डब्बू से क्षमा मांगी क्या करा उसने क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो उसने चुन्नी को छोड़ दिया तो कुत्ता भी अच्छा था तो उसने चुन्नी को क्या करा छोड़ दिया। वापस से पढ़ेंगे डब्बू और चुन्नी एक नन्हा कुत्ता था उसका नाम डब्बू था उसके पड़ोस में चुन्नी बिल्ली रहती थी
एक दिन चुन्नी डब्बू के लड्डू चुरा के ले गई। एक दिन चुन्नी डब्बू के लड्डू चुरा के ले गई। डब्बू ने उसे झड़पने की सोची। क्या सोची? उसको झड़पने यानी पकड़ने की सोची। चुन्नी की गलती थी, यानी बिल्ली की गलती थी। चुन्नी ने डब्बू से समा मांगी। उसने डब्बू से क्या मांगी? समा मांगी। उसने चुन्नी को छोड़ दिया, समा मांगी। अब पीछे देखेंगे, अभ्यास क्रम दिया हुआ है। चित्रों के नाम लिख लिए, तो यज्ञ, वृक्ष, ज्ञानी, छात्र। तो ये किसका चित्र है? तो ज्ञानी। तो क्या लिखा है? ज्ञानी। क्या लिखा है? ज्ञानी का ज्ञान, अनुसनी ज्ञानी, छानी का अनुच्छ। ये किसका चित्र है? छात्र। तो छानी का छात्र, छात्र। ये क्या है? वृक्ष, वृक्ष का चित्र है। ये क्या है? यज्ञ। तो यज्ञ का। प्रश्नों के उत्तर लिख दे, तो नन्हे कुत्ते का क्या नाम था? डब्बू। चुन्नी क्या चुराई थी? तो लड्डू। नन्हे कुत्ते का नाम था डब्बू। चुन्नी ने क्या चुराई थी? लड्डू। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करें। पीपल का खाली जगह गिर गया, तो क्या आएगा इन चारों में से? पत्ता। ये कौन है? देख रहा है। तो कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है। से खीर खाएगा, तो क्या कहेगा? चम्मच से खीर खाएगा। गंदगी में पनपते हैं, तो कौन पनपते हैं? मच्छर पनपते हैं। चिल्ड्रंस, आज के लिए इतना ही। चिल्ड्रंस, अपने घर पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए और सीखिए। थैंक यू चिल्ड्रंस।